इमरान खान साहब दो मुकदमात में बरी हुए थे, क्यों? कोई सबूत नहीं दे सके। इमरान खान साहब का मौकफ बड़ा वाजे है कि इंसाफ होना चाहिए, और जब इंसाफ हो आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल हक बजाने में, उन्होंने जो जो बात की है, चाहे वो साइफर का मुकदमा हो, चाहे वो तोशाखाना का मुकदमा हो, चाहे वो अलकादर वाला केस हो, इधर कोई भी केस आप उठाकर देखें, सब में इमरान खान साहब इंशाल्लाह सुरखुरु होंगे। और एक एक चीज़ जो उन्होंने बोली थी वो आज सही साबित हो रही है। दूसरी चीज़, ये जो मखसूस नशस्तें, देखें जो वोटर है उसकी मंशा के मुताबिक फैसला होता है, यही इलेक्शन है, इसके अलावा कुछ इलेक्शन नहीं होता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होता है उससे जमहूरियत मजबूत होती है। जमहूरियत होती फ्री फेयर इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती। अगर सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत होती आज जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती, सिर्फ इलेक्शन में नहीं होती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में होती है। पहली चीज, फॉर्म 47 आ गया बीच में, रिजल्ट चेंज कर दिए गए। दूसरी चीज, जो जीते हुए हैं उनके तनासब के मुताबिक उनको उनकी मखसूस नशस्तें, अकलियतों के हकूक की बात हो रही है बहुत ज्यादा, तो अकलियतों का हकूक तो यह है सबसे बड़ा कि अवाम ने जिसको वोट दिया है वो उधर ही जाना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि अवाम ने वोट दिया इमरान खान को और मखसूस नशस्ते कोई और ले जाए। खैर, ये तो जिधर खाली सीट देखते हैं, जिधर खाली नशस्त देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। हर जगह ये पहुंचते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। इमरान खान की जीती हुई सीटों पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जीते आप 6 सीटें हों और रिजर्व सीटें आप 12 उस पर ले जाएं, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल आइन में वाजे है एक चीज कि जो जिसके मुताबिक, जो अवाम की मंशा, याद रखिए लफ्ज, अवाम की मंशा के मुताबिक जो उन्होंने फैसला किया है, जिसको वोट दिया उधर ही उनको देना चाहिए, वरना इलेक्शन का फायदा नहीं है। तो ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस पर इंसाफ होगा, और तमाम के तमाम जजेस इस पर बैठ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस पर इंसाफ होगा, और अकलीतों को और ख्वातीन को जो उनका हक बनता है, जो नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के नाम पर वोट पड़ा है। आप ये देखें कि क्यादत बंद, बाकी लीडरशिप बंद, इंटरनेट बंद, इंतखाबी निशान बंद, मोबाइल फोन बंद, कैंपेन बंद, हमारे कैंडिडेट्स बंद, लेकिन फिर भी कौम का जज्बा बुलंद, उन्होंने फिर भी पाकिस्तान की तारीख पे पहली बार हुआ है। आप सब जानते हैं कि इससे पहले उम्मीदवार जो होता था वो वोटर को ढूंढता था, घर घर जाता था, भाई मुझे वोट दे दो, मेरा इंतखाबी निशान ये। इस बार उल्टा हुआ है, इस बार वोटर ढूंढ रहा था कि इमरान खान ने किस पे हाथ रखा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है, मच्छर है, मक्खी है, जो भी है, वो एक एक चीज ढूंढ के उन्होंने इंतखाबी निशान वोट दिया है। इससे बड़ी अवाम की मंशा कभी भी उसकी एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकती जो उन्होंने इस बार एक्सप्रेस किया है। और उन बल्ले के निशान ना देना उससे वोटर से उसका राइट छीनने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां पर जो लिटरेसी रेट है वो कम है, इधर इंतखाबी निशान इसलिए रखा जाता है कि वोटर का जो दिल कर रहा है, जो उसकी मंशा है, उसके मुताबिक जाकर वो उस इंतखाबी निशान को देखकर उसके ऊपर ठप्पा लगा सके, इसलिए इंतखाबी निशान रखा जाता है। जो पढ़े लिखे वहां पे, जहां लिटरेसी रेट अच्छा है वहां पे लिखा होता है टॉम जेरी प्रेसिडेंट हुए, उसका नाम पढ़ते हैं और लगाते हैं, वहां इंतखाबी निशान नहीं होता। यहां पे इसलिए इंतखाबी निशान होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कि यहां जो लिटरेसी रेट है वो कम है, तो जब वो जाता है और वो देखता है क्या निशान है, वो उस पर वोट लगाता है। तो जब इंतखाबी निशान ले लेते हैं आप, तो वोटर से उसका आप हक छीन लेते हैं कि वो अपनी मंशा का इजहार कर सके। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने करके दिखाया, सोशल मीडिया और इन सब की जो पावर है, इससे वो लोगों को बताया गया कि जी ये कैंडिडेट है इमरान खान का, ये निशान है, तो जो लोग हैं उन्होंने जाके अपने राय का इजहार किया। लेकिन उसके बाद फॉर्म 47 सामने आ गया और उसके बाद अब ये मखसूस नशस्तों का जो है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसला जिधर हक और सच पे, इंसाफ पे मबनी आना चाहिए। दूसरी एक छोटी सी बात करूंगा फिर मैं जाऊंगा। एक इंतहाई रंजीदा कर देने वाले मनाजिर आज देखने को मिले सुबह सुबह, और यकीन नहीं आ रहा, कुरान के अहकामात भी इस हवाले से वाजे हैं। इमरान खान जो कि एक सीनियर सहाफी हैं, उनको आज हज पे जाने से रोका गया। इमरान रियाज खान सीनियर सहाफी
سینئر صحافی عمران ریاض خان، عمران ریاض خان سینئر صحافی، وہ دیکھ رہے ہیں. آپ آگے کر دیں پریس کانفرنس، سن لینا، میں اپنی بات کروں، آپ میرے بعد آگے کر دیں. ان کو حج پہ جانے سے روکا گیا باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات آئے ہوئے تھے کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کیسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اللہ کے گھر جانے، کیا وہ مجرم ہیں؟ کیا انہوں نے کچھ جرم کیا ہوا ہے؟ اور عدالت کا بھی حکم موجود ہے کہ یہ ان کا نام ہٹا دے اور ان کو حج پہ جانے سے روکا ہے. ہم یہ اپیل کرتے ہیں یہاں سے کہ فل فور اگلی فلائٹ سے ان کو اور ان کی فیملی جو اللہ کے گھر جانا چاہ رہے ہیں اور ایک فریضہ جو فرض ہے حج وہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اگلی فلائٹ سے جو ہے وہ اجازت دی جائے، وہ جائیں حج اپنا فریضہ ادا کریں، پھر انہوں نے پاکستان ہی آنا ہے. تو اس لیے یہ مت کریں، ان کو جانے دیں. یہ ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں میں یہاں سے. رنجیدہ کر دینے والے مناظر آج دیکھنے کو ملے صبح صبح، اور یقین نہیں آ رہا. قرآن کے احکامات بھی اس حوالے سے واضح ہیں. عمران خان جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، ان کو آج حج پہ جانے سے روکا گیا. عمران ریاض خان سینئر صحافی، وہ دیکھ رہے ہیں. آپ آگے کر دیں پریس کانفرنس، سن لینا، میں اپنی بات کروں، آپ میرے بعد آگے کر دیں. ان کو حج پہ جانے سے روکا گیا باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات آئے ہوئے تھے کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کیسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اللہ کے گھر جانے، کیا وہ مجرم ہیں؟ کیا انہوں نے کچھ جرم کیا ہوا ہے؟ اور عدالت کا بھی حکم موجود ہے کہ یہ ان کا نام ہٹا دے اور ان کو حج پہ جانے سے روکا ہے. ہم یہ اپیل کرتے ہیں یہاں سے کہ فل فور اگلی فلائٹ سے ان کو اور ان کی فیملی جو اللہ کے گھر جانا چاہ رہے ہیں اور ایک فریضہ جو فرض ہے حج وہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اگلی فلائٹ سے جو ہے وہ اجازت دی جائے، وہ جائیں حج اپنا فریضہ ادا کریں، پھر انہوں نے پاکستان ہی آنا ہے. تو اس لیے یہ مت کریں، ان کو جانے دیں. یہ ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں میں یہاں سے. بہت بہت شکریہ.